फ्रेंड, मैंने इस नींबू के प्लांट की पहले भी वीडियो डाली थी, इस जब ये सारे नींबू लगे हुए थे। अब मैं बताऊंगी, मैंने इसमें थोड़ा पहले फर्टिलाइजर डाला था, उसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। ये देखिए, इस पर फूल के साथ नींबू आ रहे हैं। ये देखिए छोटा सा नींबू लग रहा है, और देखिए इस पर ये लग रहा है, ये देखिए छोटा सा, और देखिए इस पर ये लग रहा है, ये देखिए, और देखिए इस पर ये लग रहे हैं फूल, और इस पर नींबू लग रहे हैं साथ ही फूल के, और नींबू आ रहे हैं इस पर। ये देखिए, ये भी लग रहा है छोटा सा इस तरीके से, और ये देखिए मेरे ये सब फूल और कलियाँ लग रही हैं, इन सब में से नींबू निकल रहा है। और ये देखिए छोटे से ये लगे हैं दो नींबू, सब पर बहुत सारे नींबू ला रहे आ रहे हैं। और अच्छा इस पर रेंट लेना है आप लोगों को, देखिए ये भी दो गुच्छा लग रहा है छोटा सा नींबू का, और आप लोगों को और सारे इस पर और अच्छे नींबू आए और अच्छा पौधा जल्दी ग्रोथ करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नींबू में कैसे फर्टिलाइजर डालना चाहिए और कैसे केयर करना चाहिए, मैं अब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ये मेरा प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसके पौधे की पहले तो गुड़ाई कीजिए, ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी गुड़ाई कर। ये देखिए मेरे इसमें से ये निकल रहा है एक प्लांट, और इसकी जड़ में से भी ये निकल रही है थोड़ी कली, और ये प्लांट दूसरा और निकल रहा है इसी का, ये देखिए। तो मैं क्या करूँगी, इस प्लांट को बचा के इसमें थोड़ी गुड़ाई करूँगी इस तरीके से, इस तरीके। और फिर देखना, देखो जब मैंने डाला था तो एक ही छोटा सा नींबू था और बड़े बड़े लग रहे थे, और अब इसका और अच्छा रेंट लेना है तो इसमें और फर्टिलाइजर आप लोगों को डालना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे करो गुड़ाई करो, गुड़ाई करोगे। ये मेरा जमीन में प्लांट लगा है, इस प्लांट को, ये हाई वेराइटी का प्लांट है नींबू का, इसको आप गमले में भी लगा सकते हो, ये मेरा गार्डन है तो मैंने इसको जमीन में ही लगा दिया है, और मैं इसका दूसरा प्लांट लगाऊंगी जब ये मेरा प्लांट बड़ा हो जाएगा, इसी को लगा दूंगी मैं गमले में, फिर आपको दिखाऊंगी कि गमले में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से होता है। आप लोग इसे गुड़ाई कर लीजिए और इसमें से मिट्टी ऐसे निकाल लीजिए, कोई बात ना, थोड़ी दूरी पर भी डाल ले सकते हो, आपको ज़मीन में है, ये गमले में नहीं है, तो ज़मीन में तो थोड़ा सा भी फट गया तो अच्छा से चलता है। देखो मैंने पहले इस पर एक्सपीरियंस किया था, मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला था, वो तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, ऐसे डाल के मैंने छोड़ दिया, देखती हूँ उसका क्या रेंट मिलेगा, और मेरा बहुत अच्छा रेंट आया है इस पर, फूलों कलियाँ खूब सारी आ रही हैं, और मुझे और इससे ज़्यादा नींबू और फूलों कलियाँ चाहिए, इसके लिए मैं फिर से फर्टिलाइजर डाल रही हूँ। ये मेरा फर्टिलाइजर है, ये मैंने खाद से बनाया था, गोबर से के उपले से बनाया था, इसको मैंने उपले को गला दिया था पानी में, फिर वो मैंने इसमें से निकाल के इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से भी आप फर्टिलाइजर बना सकते हो, ये देखिए इसका रेंट बहुत अच्छा मिलता है, ये देखिए, और वो अच्छा रेंट मैं दिखाऊंगी आपको। आप कोई भी पौधे पर एक्सपीरियंस करोगे तो ज़रूर उसका रेंट मिलता है आप लोगों को, हमें उसका अच्छा ही रेंट मिलेगा। और देखिए मेरा पहले मैंने थोड़ा डाला था उसका, पहले मैंने वीडियो डाली थी तब तो उस पर दो चार नींबू लग रहे थे बड़े बड़े, और एक छोटा सा भी दिखाया था मैंने, अब मेरे बहुत सारे लग रहे हैं, और मैं इससे भी अच्छा रेंट आप लोगों को दिखाऊंगी, इस तरीके से मिट्टी कर लूँगी। और इस टाइम बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है तो इसमें फर्टिलाइजर डाल दोगे तो बहुत अच्छे से प्लांट चलेगा, और बारिश होने वाली है, बारिश मौसम में बादल भी हो रहे हैं, और बारिश होने के बाद फिर देखना सब कितने और अच्छे और बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। आप लोगों को मेरे ये नींबू के प्लांट में केयर करना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आगे भी वीडियो डालूँ। नमस्कार।